दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 6 तार वाला वॉच टाइमर के कनेक्शन करना कैसे करेंगे। दोस्तों ये 6 तार वाला सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टाइमर है और इसके कनेक्शन कैसे करेंगे ये हम जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि 6 तार कहाँ से कौन कहाँ जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा। दोस्तों आप देखेंगे ये 3 तार हैं, 1, 2, 3 तार ये हैं और 3 तार ये हैं, और इनमें जो है सबसे पहले तो इनको हम अलग कर लेते हैं, हटा लेते हैं, और इस तरीके से कुछ गांठ बंधी हुई है। और ये मैंने अलग कर दिए, दोस्तों देखिए 3 तार आपके सबसे लंबे तार हैं जिनमें थिम्बल नहीं लगा है और सिर्फ ये है कनेक्शन करने के लिए है, और इसमें थिम्बल लगा हुआ है और ये 3 तार हमारे थिम्बल लगे हुए हैं। दोस्तों ये तार कहाँ जाएंगे और ये कैसे टाइट हों, कहाँ लगेंगे ये हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि इन तारों में फेस यानी टाइमर जो टाइमर हैं इनमें सिर्फ फेस ही जाता है, फेस कौन से तार के द्वारा जाएगा। दोस्तों इसमें हम ये 3 तार इकट्ठा देख रहे हैं, इसमें सबसे लंबा तार ये है रेड कलर का, ये तार आप देखेंगे सबसे लंबा तार है रेड कलर का। दोस्तों इसी में फेस जाएगा, दोस्तों इसी में फेस जाएगा, और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन तार कहाँ लगेगा और चेक करते हैं सीरीज के माध्यम से। और सबसे पहले जिस पे करंट आएगा यानी जो ही हम टाइमर ऑन करेंगे इस पे फेस देंगे, सबसे पहले जिस पे करंट आएगा वो हमारा सेलेक्टर स्विच में कनेक्ट हो जाएगा तार। चलिए जानते हैं, ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है और ये इसकी लाइन है सीरीज की, ये आप देख पा रहे हैं, और ये हम जला के दिखा देते हैं, ये सीरीज है। चलिए और इस एक तार को हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं, एक तार को हम यहाँ टाइट कर देते हैं दोस्तों, सीरीज को बंद कर देते हैं। एक तार ये हम यानी कि फेस दे रहे हैं लाल तार पे टाइट कर देते हैं, और ये इसको हम इस तरीके रख दिया। ठीक, अब हम इसको ऑन करेंगे दोस्तों, अब इसको हम ऑन करेंगे यानी टाइमर को ऑन करेंगे। ये आप सुन पा रहे हैं ये टाइमर ऑन हो गया, इसमें आवाज़ आ रही, सबसे पहले जिस पे करंट आ जाएगा वो टाइमर सेलेक्टर स्विच में जाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे ये 2 तार इसके बगल में हैं, लाल रेड तार के बगल में हैं, इन्हीं 2 में से 1 तार में सबसे पहले करंट आएगा, और यहाँ हम चेक कर पा रहे हैं इसमें करंट नहीं आ रहा। दोस्तों ये हम स्विच ऑन नहीं किए हैं, स्विच ऑन किया और देखेंगे कि सबसे पहले करंट किस में आएगा, और यहाँ नहीं आया दोस्तों। अब दूसरे तार में देख लेते हैं, दूसरे तार में देख ले, ये इसमें दोस्तों करंट आ गया, ये सेलेक्टर स्विच में जाएगा, सेलेक्टर स्विच में जाएगा, ये भी जाएगा, और इसके साथ साथ 3 तार दूसरी तरफ हैं और इसमें ये सेलेक्टर स्विच में जाएगा। ये चाहें तो आप ऐसे दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं इस तरीके से, अगर न तब भी आपका काम करेगा। और अब बचते हैं हमारे इन 2 तारों का काम खत्म हो जाता है, चलिए हम जोड़ देते हैं इनको, दोनों तारों को सेलेक्टर स्विच में ही जोड़ देते हैं, और ये यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये सेलेक्टर स्विच हमारे पास भी है, और एक यहाँ जोड़ दिए, इन हो जाता है जिसमें सबसे पहले करंट आया है, ये सेलेक्टर स्विच का इन हो जाता है। अलग आपके पास सेलेक्टर स्विच नहीं है तो इन दोनों तारों को आपस में जोड़ लेंगे, और अब बचता है हमारा एक छोटा तार, और ये इसमें भी थिम्बल लगा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ तार, ये हमारी बजर है और इसमें जाएगा, कोई किधर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक में हमको न्यूट्रल देना होता है, बजर में न्यूट्रल की ज़रूरत होती, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या तार बच गए, हमारे 2 तार बच गए, पीले वाले,
पहले वाले आगे कंफर्म हो गया कि दोनों तार मोटर में जाएंगे, जो एक बार सीधा एक बार उल्टा चलाएगा मोटर को। तो इसमें अब इसको कैसे पता करेंगे, दोनों तार दोस्तों हमने आपस में जोड़ लिए हैं, जोड़ कर ये रख दिए हैं और अब हमने करंट दे रखा है और हमारा स्विच ऑन है, तो क्या होगा बप्पो आप इसमें देखते हैं हमारा फेस आ रहा कि नहीं आ रहा। ये देखिए ये फेस आ रहा और ये देखिए बंद हो गया, एक बार सीधा चलेगा मोटर एक बार उल्टा चलेगा, यानी मोटर आप देखते होंगे रुकता है फिर चलने लगता है उल्टा, फिर रुकता है फिर सीधा चलने लगता है। इस प्रकार से ये मोटर यानी बल्ब को मान लो कि मोटर चल रहा है, इससे ये कन्फर्म हो गया ये दोनों तार मोटर के हैं। अब हमारा बचते एफजेड सेलेक्टर स्विच के, अगर स्विच नहीं है तो आप आपस में तार पर ले जाते हैं, एक तार यहाँ जुड़ रखे हैं और एक तार ये, और यूं ही टाइम ख़त्म होने का आएगा और ये बजर हमारी बजने लगेगी। चलिए तब तक हम वेट करते हैं इसका। देखिए बजने लगा, इस तरीके से ये तार हटा दिया, बजना बंद हो गया, यानी ये बताने लगा कि हमारा टाइम पूरा हो गया, कपड़े धुल चुके हैं। इस तरीके से आप 6 तार वाले मोटर की वायरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।